Now we are starting the solution of mutual exclusion with busy waiting. अब सुनना, busy waiting पहले तो समझते हैं कि एक प्रोसेस CPU में आकर ये पूछती है कि वो जो क्रिटिकल सेक्शन है जो पहले किसी प्रोसेस को दिया गया था और आपने मुझे डिनाई किया था, क्या वो अब अवेलेबल है। मतलब हर बार सीपीयू में जब जब उसका प्रोसेस का टाइम आएगा, अगर वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है तो एक टाइम क्वांटम के बाद वो प्रोसेस सीपीयू में आएगी और पूछेगी कि क्या क्रिटिकल सेक्शन खाली हुआ या नहीं। बात समझ में आई? नाउ प्रोसेस विल बी इन रेडी क्यू, नॉट इन ब्लॉक्ड क्यू। गॉट द पॉइंट? वेटिंग क्यू या ब्लॉकिंग क्यू में नहीं होगी, प्रोसेस रेडी क्यू में होगी और वो बार बार सीपीयू को पिंच करेगी। दैट इज कॉल्ड बिजी वेट। गॉट द पॉइंट? नाउ तो हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी वेटिंग। नाउ द फर्स्ट सॉल्यूशन इज डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। डिसेबलिंग इंटरप्ट्स क्या है वो देखना। कोई भी प्रोसेस अगर नॉन क्रिटिकल सेक्शन चलाने के बाद अगर क्रिटिकल सेक्शन चलाना चाहती है तो फर्स्ट वो सारे इंटरप्ट को डिसेबल करने की रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट में इसलिए बोला क्योंकि डिसेबलिंग एंड इनेबलिंग इंटरप्ट कान बी डन इन यूजर मोड, इट नीड टू बी डन इन कर्नल मोड। बात समझ में ही? तो सारे इंटरप्ट डिसेबल करने के बाद वो प्रोसेस सीपीयू में क्रिटिकल सेक्शन चला रही होती है। जब सारे इंटरप्ट डिसेबल हो गए तो प्रीएम्प्शन का कोई केस ही नहीं आता है, क्योंकि प्रीएम्प्शन तब होता है जब इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट आएगा ही नहीं। नाउ जैसे ही वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगी, पार्ट और पोर्शन जहां पे शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस हो रहा था वहां से निकलेगी, तुरंत इनेबल इंटरप्ट्स कर देगी। एंड उसके बाद अगर कोई भी प्रोसेस आना चाहे तो आ सकती है, और ऑब्वियस है प्रीवियस प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है नहीं। बात समझ में ही? तो दैट इज द करेक्ट सॉल्यूशन पहला। अब हमारा टारगेट क्या होता है वो बता देता हूं। किसी भी वे में असेंबली इंस्ट्रक्शन पे अगर आप प्रीएम्प्शन करें और म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंश्योर ना हो तो आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंश्योर नहीं कर रहा है। और सिमिलरली हम लोग प्रोग्रेस के लिए भी चेक करते हैं। नाउ अगर इंटरप्ट इनेबल है, सुनना, और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन लेना चाहती है तो वो इंटरप्ट को डिसेबल करके क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। नाउ अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और उसको सीपीयू से क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते क्योंकि इंटरप्ट डिसेबल है। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ऑलवेज एंश्योर होगा डिसेबलिंग इंटरप्ट में। दूसरा केस, इसी कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड इज प्रोग्रेस। एक अनइंटरेस्टेड प्रोसेस किसी इंटरेस्टेड प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक सकती है क्या अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है? तो ऐसा कभी केस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक क्रिटिकल सेक्शन खाली है इंटरप्ट इनेबल्स रहेंगे। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सब रूटीन्स या उसकी फंक्शनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि कर्नल को कुछ अपनी चीजें एग्जीक्यूट करनी है। नो, आई एम इंटरेस्टेड इन यूजर प्रोसेसेस ओनली। क्या कोई यूजर प्रोसेस जो अनइंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में, क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने वाली इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोक सकता है? बोले तो नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरप्ट अगर डिसेबल है,
अगर इंटरप्ट सॉरी इंटरप्ट अगर इनेबल हैं तो कोई भी इंटरेस्टेड प्रोसेस डिसेबल करके क्रिटिकल सेक्शन ले सकती है। बात समझ में आई? मतलब प्रोग्रेस भी एंश्योर्ड है। दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पहले तो ये एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है। हार्डवेयर क्यों? क्योंकि हमें कर्नल का सपोर्ट चाहिए। गॉट द पॉइंट? वो सारे सॉल्यूशन जो अकेला यूजर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मतलब यूजर का प्रोग्राम मैनेज नहीं कर पा रहा है, दैट इज हार्डवेयर सॉल्यूशन जिसमें कर्नल की हेल्प चाहिए होती है। तो पहला पॉइंट है डिसेबलिंग एंड इनेबलिंग इंटरप्ट्स कैन बी डन इन कर्नल मोड, इट कैन बी परफॉर्म इन यूजर मोड। सेकेंड, disable all types of interrupts are risky. Disable all types of interrupts are risky. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप try कर रहे हैं क्या दो processes को synchronize करने का, कि सही से synchronize हो? नहीं तो क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है या इन वर्स्ट कंडीशन डेडलॉक भी आ सकता है, है या ना? लेकिन अगर सोचो टेम्परेचर सेंसर का इंटरप्ट आ रहा था और आपने इंटरप्ट देखा तक नहीं, इंटरप्ट आ ही नहीं पा रहा है, तो आप प्रोसेस सिंक्रोनाइज कर रहे हो, वहां सिस्टम ही फूक गया। बात समझ में आ रही है? मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इंटरप्ट को डिसेबल करना बहुत ज्यादा रिस्की है। नाउ इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। योर फादर इज वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। योर फादर इज टू स्ट्रिक्ट। उन्होंने बोल रखा है कि आफ्टर 11 PM उनके बेडरूम के दरवाजे को नॉक मत करना, बिफोर 5 AM ये उनका मतलब सोने का टाइम है और वो नहीं चाहते कि डिस्टर्ब हो इन एनी सिचुएशन। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो कुल मिलाकर उन्होंने सारे टाइप्स की सिचुएशन को नजरअंदाज करते हुए बोल दिया कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दरवाजे को कोई भी नॉक नहीं करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेट आपके ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक से रात को 2 बजे खराब हो गई और वो एक अनकंट्रोल सिचुएशन में आ गए और इन वर्स्ट कंडीशन जाने ही वाले हैं और चले गए। बात समझ में आई? ड्यू टू दैट पॉलिसी आप अपने फादर को उठा ही नहीं रहे हो। गॉट अ पॉइंट? तो कितना रिस्की हो सकता है इन रियल लाइफ, तो उतना ही रिस्की आप सिस्टम के पर्सपेक्टिव में सोच सकते हो। गॉट अ पॉइंट? तो दैट इज द पॉइंट्स जो आप नोट डाउन कर सकते हो और मैंने सारी चीजें लिखवा दी है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ME means mutual exclusion मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। गॉट अ पॉइंट? इज देयर एनी डाउट इन दिस सॉल्यूशन?